ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज का विषय है घी खाने से कहीं मोटे तो नहीं हो जाएंगे। मित्रों, ये बहुत बड़ा भ्रम है। घी खाने से मोटे हो जाएंगे, इस चक्कर में मैंने बिना घी खाए बहुत सारे मोटे लोगों को देखा है, बिना घी खाए बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को देखा है। क्योंकि लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम है कि घी में कोलेस्ट्रॉल है, घी से फैट बढ़ता है और हम मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमें हार्ट अटैक हो जाएगा और हम मर जाएंगे। मित्रों, ये भ्रम क्यों है मैं आपको इसकी स्पष्टता दे दूं। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जहां ये कहा जाता है कि दूध घी की नदियां बहती थी, दूध दही की नदियां बहती थी। और मित्रों, हमारे देश में एक समय ऐसा था पूरी पकवान मात्र घी में ही बना करते थे, जहां कहीं तेल का प्रयोग होता ही नहीं था। उस देश के लोग आज घी खाने से मात्र इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उनका घी खाने से फैट बढ़ रहा है और उनको कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। मित्रों, ये सारे भ्रम कुछ डॉक्टर्स ने फैलाए हैं, कुछ डॉक्टर्स जो मात्र कमाने के लिए बैठे हैं, कुछ डॉक्टर्स जो मात्र विदेशी कुछ चीजों को बेचने के लिए आपके भीतर ये भ्रम फैला रहे हैं। मित्रों, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कुछ डॉक्टर्स जो आपको रिफाइंड तेल जो बताते हैं, जो भी कंपनी का तेल बताते हैं, उन डॉक्टर्स के घर में उन कंपनियों के द्वारा कुछ पैकेज आ जाया करते हैं, जिसके द्वारा वो विदेशी टूर कर लिया करते हैं, कुछ सामान आ जाते हैं जिसके उनके घर के शोभा बढ़ जाती है। उस चक्कर में वो आपको इन सब चीज़ों से दूर कर रहे हैं और आपकी देह को रोगी बना रहे हैं। मित्रों, मैंने भी पहले भी एक वीडियो बनाया था रिफाइंड तेल की कहानी करके, उसमें स्पष्ट किया था कि जब से भारत में रिफाइंड तेल की कहानी चली है, घी का चलन कम हुआ है या बंद हुआ है, तब से भारत में मोटापा भी बढ़ा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, थायराइड भी बढ़ा है, डायबिटीज भी बढ़ा है। ये सारी बीमारियां जिनकी दवाइयां आपको आजीवन खानी है, हर बीमारी तभी से बढ़ रही है जब से हमने घी का चलन बंद किया है। क्योंकि जब तक भारत में घी का चलन था तब तक लोग बीमार नहीं थे। मित्रों, आज भी ऐसे लोग हैं जो घी बिना भोजन नहीं कर पाते, आप उनको देखिए, वो बीमार नहीं पड़ते, वो रोगी नहीं होते, वो शक्तिहीन नहीं होते। और जो घी नहीं खाते वो शक्तिहीन होते हैं, कांतिहीन होते हैं, उनकी देह ऐसी लगती के भारी भरकम है, शरीर भारी भरकम है। एक रोटी खाते हैं, पूरी पकवान तो छूते भी नहीं, फिर भी मोटे हुए चले जा रहे हैं, हुए चले जा रहे हैं। वो तो कहते हैं हम पानी पिए तो भी फूल जाते हैं, हमने ऐसे लोग भी देखे। हवा खाते हैं उसमें भी हम फूल जाते हैं। क्यों आप इतना फूल रहे हैं, आप इस पर जाइए। मित्रों, घी कहीं भी समस्या नहीं करता है। हाँ, आजकल घी बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा गलत हो गया, उसमें समस्या अवश्य है। यदि आप भैंस का घी खाते हैं और भैंस के घी में फैट अधिक होता है, गाय के घी में फैट नहीं होता है। तो यदि आप भैंस का घी खाते हैं और वो भी मलाई निकाल के आपने इकट्ठा किया है, फ्रिज में दूध रख के उसकी मोटी मोटी मलाई निकाल के आपने उस मलाई से जो घी बनाया, वो घी मात्र फैट बढ़ाता है पर कोलेस्ट्रॉल तो उसमें भी नहीं है। हाँ, फैट अवश्य है तो वो मोटापा बढ़ाएगा, लेकिन घी कभी भी चिपचिपाता नहीं है। घी का एक बहुत बड़ा गुण है मित्रों, तेल चिपचिपा हो जाता है पर घी कभी भी चिपचिपाता नहीं है, वो चिकट नहीं हो जाता। तो घी में कहीं भी कोलेस्ट्रॉल नाम की वस्तु नहीं होती, जो चिकटपना है वही कोलेस्ट्रॉल होता है मित्रों। और वही यदि गलत तरीके से जाता है, अधिक जाता है, तो जोड़ों में भी जाके जम जाता है। ये बहुत सारे रूप हैं, ये कई किसी भी रूप में जाता है, इसको आप यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, मतलब या विकृत कफ भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें। क्योंकि नाम डॉक्टर कुछ अलग दे दे उससे विषय नहीं बदल जाता। आप किसी चीज का जब तक नामकरण नहीं करते वो बेनाम रहता है। एक बच्चा है, पैदा हुआ है, उसका नाम नहीं रखा है, आप उसको कुछ भी कह के बुला सकते हैं, पर नामकरण दे कर दिया तो आपको उसी नाम से बुलाना होता है। पर जब ये यूरिक एसिड नाम नहीं था, उससे पहले इसका नाम बहुत सारे थे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं मित्रों। तो आप इस भ्रम को अपने मस्तिष्क से हटाइए कि घी खाने से मोटापा बढ़ जाएगा, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मित्रों, आप तेल खाना बंद करिए और विशेषकर जो आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं उसको बंद करिए, उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और यदि आप वो खाते रहेंगे, घी तेल बंद कर देंगे, तो आपके जोड़ों के दर्द बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि मैं कई जगह बता चुकी हूँ और कई लोगों को करवा चुकी हूँ कि दूध में, गर्म दूध में घी डाल के पीने से जोड़ों के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलने लग जाता है। मित्रों, जो कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि हाँ, आराम मिलता है।
पेट साफ होता है। मित्रों जब तक आपकी देह में चिकनापन नहीं जाएगा, आपकी त्वचा सूखी बनी रहेगी, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा, रूखापन बना रहेगा। मित्रों मैं अपनी बता दूं, हर महीने एक महीने में करीब मैं 2 से 2.5 किलो घी खा लेती हूँ। कम से कम 2 किलो तो पक्का है, मेरे दूध का ग्लास लोटा भर के है, इस लोटे को भर के मैं दूध लेती हूँ रात को। उसमें इतना दूध होता है, फिर उसके बाद इतना घी होता है, और उसको 2 बर्तन में लेके मैं फेंट के फिर वो दूध पीती हूँ। इतना दूध मैं रोज पीती हूँ, और ये गाय का दूध होता है, मेरा देशी गाय का दूध होता है, और पतंजलि का गाय का घी मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतना घी मैं नहीं बना पाती कि मैं अपने लिए भोजन में ले पाऊँ, बस वो नाक में डालने के लिए बना पाती हूँ। तो घी जो आप लेंगे वो कभी भी नुकसान नहीं करता, घी फैट नहीं बढ़ाता। हाँ, बशर्ते आप खाओ और सो जाओ, कुछ काम ना करो तो मोटापा बढ़ता है, पर कोलेस्ट्रॉल उसमें भी नहीं बढ़ता। मैं रोज की 8-10 किलोमीटर साइकिल तो चला लेती हूँ, और यदि आवश्यक पड़े तो 20-30 किलोमीटर भी मेरी साइकिल चल जाती है। इसलिए मैं जो घी खाती हूँ उसको इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे उससे मोटापा कभी नहीं बढ़ता। पर आप कहेंगे कि हम तो इतना घी नहीं खा सकते, तो मैंने आपको रोज का 50-100 ग्राम घी खाने को बताया भी नहीं है, हम आपको 2 से 4 चम्मच घी खाने को कह रहे हैं। 20 ग्राम घी यदि आप रोज खाते हैं, 15-20 ग्राम घी आप रोज खाते हैं, आप देख सकते हैं आपकी देह में किस तरह से बदलाव होता है, और वो बदलाव आपको किस तरह सकारात्मक बनाता है, आपके स्वास्थ्य को सही करता है, ये आप स्वयं जांच सकते हैं मित्रों। पर जब तक आप घी नहीं खाएंगे, बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपके नहीं हो सकते, आपके जोड़ ठीक नहीं हो सकते। आप दवाइयों में अपने जोड़ों को सुला तो सकते हैं, उनको ठीक नहीं कर सकते, उनको स्वस्थ नहीं बना सकते। तो यदि आप अपने जोड़ों को स्वस्थ करना चाहते हैं, उसमें जो लुब्रिकेंट खत्म हो गया उसको ठीक करना चाहते हैं, जो उसमें घर्षण हो रहा है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको घी खाना ही होगा। पर घी खाने का तरीका मैंने आपको बताया है, भोजन के अंक में आपको मिल जाएगा, स्वास्थ्य नियम में वो वीडियोस मिल जाएंगे आपको, कि आपको घी दूध मिला के कैसे लेना है। आप उस तरीके से भी घी और दूध लेते हैं, आप किसी भी चीज़ में घी मिला के लेते हैं, दाल आदि में फेंट के लेते हैं, तो आपको वो बहुत लाभकारी होगा मित्रों, वो आपको कभी भी नुकसान कर ही नहीं सकता। हाँ, यदि घी ऊपर दिख रहा है तो वो समस्या करता है, वो ठीक से हजम नहीं होता। ठंडी चीज में आप घी खा रहे हैं तो ठीक से हजम नहीं हो पाता, क्योंकि उसको समय लग जाता है पचने में। पर यदि आपने किसी चीज में मिला दिया है, वो नहीं दिख रहा है, तो बहुत अच्छे से आपकी देह को पोषण देता है। तो आप घी ऐसे खाएं, और घी अवश्य खाएं, ये आपके लिए सबके लिए अनिवार्य है। घी खाने से मोटापा बढ़ता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये भी बहुत बड़ी भ्रम है। इनको अपने मस्तिष्क से हटाइए और अपनी पुरानी चीज़ों पे आइए, अपनी पुरानी विधाओं पे आइए। आप देखिए ना, आपकी दादी नानी, दादा नाना, जो भी आपके बड़े हैं, वो कहाँ बीमार हुआ करते थे, क्योंकि वो घी की ही चीज़ें खाया करते थे, तो रोगी नहीं थे, निरोगी रहते थे। तो आप भी निरोगी रह सकते हैं, जाइए उस दिनचर्या पर, थोड़ी सी उस दिनचर्या को अपनाइए, आप थोड़ा टहलना बढ़ाइए, आप अपने कामों की गति बढ़ाइए, आप स्वस्थ रह सकते हैं। जितने सुस्त रहेंगे उतने बीमार रहेंगे, जितने मस्त रहेंगे उतने चुस्त रहेंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे। या अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को बताइए, लाइक करिए, और यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के विवरण में मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, दे रखे हैं, वो आपके कैंसर से लेकर जुखाम तक की हर रोग का समाधान दे सकते हैं, वो ऐसे वीडियोस हैं, तो आप उनको अवश्य देखिएगा। यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो उन वीडियो को आप अवश्य देखिए, वो आपको संपूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं। धन्यवाद। और आप मुझसे बात करना चाहें तो उन वीडियोस में मेरे नंबर मैंने दे रखे हैं, आप वहां से नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। पर मेहरबानी करके सारे वीडियो देख के नंबर कॉल करें, क्योंकि मुझे वापस आपको वही कहना पड़ेगा, वीडियोस देखिए। वंदे मातरम।